यार लास्ट वीडियो में ना सही धूम मचा दी, मतलब इतना धमाल मच गया कि 100 व्यूज भी क्रॉस नहीं हुआ। लेकिन मेरे दोस्तों ने ना उसको शेयर करना तो कमेंट करना तो लाइक भी नहीं किया। सही बेटा, देख रहा हूं मैं तुम सब नजरों में मेरे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, माय नेम इज हमजा राजपूत, आई एम 26 इयर्स ओल्ड विद नो जॉब विदाउट एनी करियर प्लानिंग एंड शदीद सिंगल। एक मेरा दोस्त है, उसकी जिंदगी में भी सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट मेरी तरह, लेकिन उसके पास एक बंदी है और उसको बहुत खुश है। तुमको नहीं लगता ये जो कमिटमेंट वाले लोग होते हैं ये कितने खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे होते हैं? लाइक कितने एरोगेंस में आदमी बोलता है आई हैव अ गर्लफ्रेंड ऐसे, तो मुझे उससे भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे जलन तब होती है जब ये जलील आदमी मेरे से आके अपनी लव लाइफ शेयर करता है। मतलब यहां जिंदगी ऐसी हुई है कि मैं दूध पकाने खड़ा हूं और मैं दूध को देख रहा हूं, जैसे ही मैंने इधर देखा दूध उबल गया। अबे भाई तुझे मुझसे मसला है, मतलब इस घर में मैं ही मिलता हूं, मतलब जब मैं आता हूं जब ही तेरे अंदर से हवा निकलनी होती, मतलब जब अम्मी बनाती है तब तुझे क्या होता था भाई, वो तो तेरे को पका के छोड़ के चले जाती। इस घर में सबसे ज्यादा लॉयल मैं हूं तेरे साथ, सारे तेरे को हल्की आंच में पका के ना निकल जाते, मैं तेरे पास खड़ा रहता हूं कि जब तक तुझके अंदर उबाल ना आए ना जब तक मैं यहां से हटूंगा, तू उसके बाद ही मेरी लेता है। मेरे टाइम पे तेरी हवा निकल जाती है, मेरे टाइम पे तेरा सेल्फ कंट्रोल खो जाता है। ये दूर से डिबेट हो रही है, मतलब देख लो जिंदगी झंड होने का लेवल देख लो। तो ऐसी जिंदगी हुई हो और वो मेरे पास आती अपनी लव लाइफ शेयर कर रहा, एकदम मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि यार आज तेरे भाभी के साथ मजा ही आ गया, मतलब बंदी तेरी, रोमांस तुम लोग के बीच हुआ, किस तुम लोग के बीच हुआ, ढोल बाजा तुम लोग के बीच बजा, तू इधर किस बात का माहौल बना रहा भाई, और मुझसे उसके ऊपर ये स्पेक्ट कर रहा है कि मैं रिएक्ट भी ना करूं। तो मुझे बताने लगा कि यार आज तेरे भाभी का मैकडॉनल्ड्स गए, आइसक्रीम वाइसक्रीम खाए, फिर उसके बाद ना समंदर पे गए बैठे फुल चिल चल, और तेरे भाभी भाभी के साथ ना सही माहौल बन गया, उसके बाद किस होने लग गई और किस से आगे बढ़ने लगा। तो मैंने कहा ऐसी गंदी बातें मत कर। तो मुझसे कहने लगा यार एक तो मैं तुझे बता रहा हूँ अजीब रिएक्ट कर, यार दूर से लड़ रहा हूं मैं और तू मुझे अपनी खूबसूरत जिंदगी बता रहा, मतलब तू उन खूबसूरत लोगों में से है जिसकी जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि तू चिक चिक के लोगों को बता रहा है कि तेरी जिंदगी में कितना एडवेंचर है। मतलब सही है सिंगल हूं लेकिन हाइपोक्रेट थोड़ी हूं, तुम लोगों ने समझ आया, लोटा लोटा कहते। तो ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं खुश हो जाऊं। तो मैंने बात को रफा दफा किया, मैंने कहा यार एक तो ऐसी जिंदगी का मजाक बने, ऊपर से आके तू खुश होता ना, क्योंकि जब मैं तुझे खुश देखता हूं ना मेरे अंदर से गांड जलती, मतलब सिर्फ तू ही, मैं क्यों, मैं अगली हूं उसकी शक्ल के अलावा सारी चीजें प्रॉपर काम कर रही होगी यार, मेरा भी एक बनता है, मुझे भी ऐसी खुशियां मिलनी चाहिए। और साले तुम लोग सब कुछ करने के बाद आके हमें याद क्यों करते हो, जब हो रहा था तब तो याद किया नहीं। तो मेरी दोस्त ने ना इंस्टाग्राम पे एकदम स्टोरी लगाई अपनी दोस्त के साथ, दोस्त लड़की, हम अगली अगली दोस्त होती है लेकिन सोशल मीडिया पर। तो उन्होंने एक अपनी दोस्त के साथ पिक्चर लगाई, तो मैंने उनसे पूछा कि ये तुम्हारी दोस्त है, कितनी पुरानी दोस्त? तो उन्होंने कहा कि चाइल्डहुड फ्रेंड, बम मारने का। तो मैंने बोला मेरी सेटिंग आ रहा है इससे, तो मुझसे कहते कि अबे जा तेरे पास तो इतनी बच्चे हैं, तो मैंने यूं करके देखा। किससे बोल रही है? मतलब मेरे अलावा किसी से बात कर रही है क्या? मेरा कोई साया वाया नहीं है यहाँ पर। तो मैंने ऐसे कंफर्म करने के लिए उससे पूछा, मैंने कहा यार मेरे अलावा भी किसी से बात कर रही है? तो कहने लगी नहीं। तो मैंने कहा ऐसी उल्टी चीजें बोल तो कौन दिया, ऐसी उठपटांग तो फिर क्यों सुन रही है? मतलब मेरे पास इतनी बंदियां होती तो मैं चौके करवाता था। अच्छा हम अगली लोगों की ना स्ट्रगल खत्म नहीं होती, हमसे कोई हसीन लड़की कुछ पूछना भी चाह रही होती ना तो वो डरती है हमसे कुछ पूछना, क्योंकि उसको पता है जिंदगी का सताया हुआ है सिंगल है, हर लड़की के पीछे भाग रहा है और डर डर के ठोकरे खा रहा है,
तो वो हमसे कुछ पूछते हैं ना, तो उनको ये डर लगता है कि यार ये अपने दिमाग में कुछ ऐसा चीज ना बना ले जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो वो हमें जब भी मुखातिब करती है तो भाई करके मुखातिब करती है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि लड़कियां तुम्हें भाई क्यों बोलती है। रूल नंबर वन, अगर वो आपके लिए फीलिंग रखती है और उसको कुछ उगलवाना हो आपसे तो वो आपको भाई बोलती है, ये पता करने के लिए कि आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है कि नहीं। रूल नंबर टू, जिससे वो इनसिक्योर फील कर रही होती है, जिसकी शक्ल पे लिखा होता है ये हरामी है, मतलब अगर इसको भाई नहीं बोले पूरी फैमिली प्लानिंग कर देगा। रूल नंबर थ्री, जिसको वो फ्रेंड जोन करना चाहती है। फ्रेंड जोन से मुराद कि वो जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहती है लेकिन एक भाई के टैग के साथ। वो अपने रोने धोने सब कुछ आपको बताएगी, अपनी खुशी आपको बताएगी, मतलब घंटे से आपकी सुनेगी नहीं, सिर्फ अपनी बताएगी। तो रूल नंबर जो थ्री है वो इस पे इंप्लीमेंट होता है, तो इसलिए वो आपको भाई बोलती है। लेकिन कुछ लड़कियां आपको ऐसे भाई बोलती हैं जिसका भाई सुन के आपके पिछवाड़े में आग लग जाती है। आप बोलते हैं मतलब तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तुझे यहाँ खतरा है, तुझे पूरे जहां के लड़कों से कोई खतरा नहीं, मतलब अगर तू मुझे बीबी भी बोले तो यहां से किसी रिएक्शन की तवक्को मत रख। बिना वजह आई एम सो सेक्सी वाले कैरेक्टर में घुसी। तो इसी तरह ना मुझे एक लड़की ने मैसेज किया, हेलो हमजा भाई आर यू डियर, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तुमने कभी गुस्से वाले इंसान का जवाब सुना या उसके अंदर झांक के देखा कि अगर उसको कोई चीज बुरी लग गई हो तो वो कैसे रिएक्ट करता, कैसे जवाब देता? मैं तुम्हें बताता, जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मैंने यूं किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपने पूरे वजूद के साथ दो सलामत पैर के साथ इस दुनिया को गवाह बनाते हुए, अल्लाह को गवाह बनाते हुए ये बात तस्लीम करते हुए कि तुम मेरी बहन हो सबसे अफजल सबसे ऊपर, तो फरमा मेरी बहन तेरा भाई हाजिर है तेरे लिए, जो हमेशा तेरे लिए हाजिर रहेगा, तेरे लिए कुछ भी करेगा। मेरी अच्छी बहन परमा तू अपने बड़े भाई से क्या चाहती है, वो हाजिर है। उस बंदी ने मैसेज पढ़ा, उसने बोला भाई ये तो लवा लव तब ये, इसके पास तो कोई मैसेज ही नहीं, मतलब क्या करती है ऐसी लड़की बात जब भाई बोलती। तो इसी तरह मैं आपको बता रहा था कि मेरी जो दोस्त की बंदी है उसके साथ उसका लव रोमांस वो मेरे साथ शेयर कर रहा होता कभी कभार, तो उनका कुछ दिनों बाद जाके ना ब्रेकअप हो गया और भाभी ने मुझसे कांटेक्ट कर लिया। ऐसी पोजीशन पे ना दोस्ती गधे चढ़ जाती है। यहां पर आप बोलते हो कि अब मेरा वक्त आया, मामा लोहा बहुत गर्म हुआ, अब ऐसी चोट मारनी है ना जो जाके महसूस नहीं हो, जाके बस। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारे दोस्त ने मुझे छोड़ दिया, मुझमें क्या कमी रह गई थी, उसने मुझे क्यों छोड़ा, क्या हुआ ऐसा, मुझे बताओ क्या हुआ क्या हुआ, बड़ा ना फोर्स किया ना। मैंने बोला थोड़ा बहुत फोर्स किया। मैंने बोला अब वक्त है इतिहास बनाने का, अब दुनिया को ये भी बताना है कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ, अब दुनिया मेरी स्टोरी सुनेगी, मैं भी किससे बताऊंगा। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया, मैंने कहा तुम बदसूरत हो, उसने कहा क्या, मैंने कहा सुनो अभी मेरा वक्त है बोलने का, मैंने कहा तुम बदसूरत हो बाहर से नहीं अंदर से कि तुमने उसको चूज किया, उसने तुम्हें पता है क्यों छोड़ दिया, क्योंकि दुनिया की सबसे हसीन लड़की उससे प्यार करती है, तो उसने ये सोचा कि जब ये हसीन मलका मुझसे प्यार कर सकती है तो इससे ज्यादा हसी भी मेरे प्यार में गिर सकती है, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। उसने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम उसके प्यार की भीख मांग रही हो, तो इससे कहीं ज्यादा हसीन लड़की उससे उसके प्यार की भीख मांग सकती है, इसलिए तुम्हें उसने छोड़ दिया। उसने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया कि तुम इतना हसीन होके भी उसके पांवों में गिरी हुई हो और उसके प्यार की तलबगार हो, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हारा जो हुस्न है कि जब वो पांव रखे तो नीचे काली ना जाए, तुम्हारे जैसे हुस्न की ऐसे तारीफ की जाए जो कभी खत्म ही ना हो, तुम इतनी हसीन हो कि तुम जिसके पास हो उसकी जिंदगी हसीन हो जाए, तुम इतनी हसीन हो कि तुम किसी के पास हो तो उसकी जिंदगी मजेदार हो जाए, तुम इतनी हसीन हो कि जब तुमसे बात करे तो बात खत्म ना हो, तुम इतनी हसीन हो कि जब तुमसे वो प्यार करे तो प्यार खत्म ना, तुम्हारे हुस्न की कोई तारीफ नहीं मिलती, तुम्हारे हुस्न की कोई मिसाल नहीं मिलती, तुम इतनी हसीन हो कि भी उसकी प्यार की भूखी हो, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। तो यहां पर मामला हो गया।
इतना गर्म कि आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं उसके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, मैं रेडी हूं ये सुनने के लिए कि अब वो मेरे पास आने वाली। अब मैं दुनिया को बताऊंगा कि मैं कहां गया था, अब मैं दुनिया को बताऊंगा कि मैंने कहां आइसक्रीम खाई थी, अब मैं दुनिया को बताऊंगा कि मैंने गाड़ी कहां लगाई थी, अब मैं दुनिया को बताऊंगा कि किस कैसे हो। तो फिर वो बोलना स्टार्ट हुआ कि हाँ तुम सही कह रहे हो कि वो मेरे लायक ही नहीं, हाँ तुम सही कह रहे हो कि ऐसा इंसान प्यार करने को डिजर्व नहीं करता, हाँ तुम सही कह रहे हो कि मुझ जैसे हुसन वाली लड़की वो काबिल ही नहीं है इस हुसन के, तुम सही कह रहे हो कि अब मैं उससे प्यार नहीं करूंगी, तुम सही कह रहे हो कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी केयर करे, जो मेरी परवाह करे, जो मेरी तारीफ करे, जो मेरा ख्याल रखे। मैंने कहा यस, तुमसे मिलने के बाद मुझे मेरा वजूद मिल गया, तुमसे मिलने के बाद मुझे खुद पे फिर से यकीन हो गया, तुम सही कहते हो, तुम इसी तरह मेरे भाई बनके मेरा ख्याल रखना।